भारत के प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए पड़ेंगे। आज उन्होंने ये नहीं कहा था 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 98% करेंसी नोटबंदी से आ गई वापस, 2% नहीं आई है, तो ब्लैक मनी कहाँ है? वही तो मैं बता रहा हूँ, ब्लैक मनी मतलब नहीं है, ब्लैक मनी मैं बता रहा हूँ, ब्लैक मनी था, मतलब ब्लैक मनी था, ब्लैक मनी आरबीआई ने 98% नोट कैसे, मैं बता रहा हूँ इकट्ठा कर लिया। अभी यहाँ भैया बोले थे ना कि सबसे ज्यादा वो क्या बोलते हैं कि कर्जे में है, तो वही तो कर्जा आपके हिसाब से जितना कर्जा लेंगे उतना विकास कर लेंगे भैया, जितना कर्जा रहेगा। देखिए जिस देश के ऊपर जितना कर्जा रहता है, ये तर्क हमको नहीं समझ में आ रहा है। ये तर्क मेरी बात, इन्होंने बोला था कि 6 किलो राशन पे बिक जा रहे हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपने कभी ये नहीं देखा कि 6 किलो राशन अगर वो 24 के भाव में खरीद रहा है तो 4 में क्यों दे रहा है, ये भी तो बताना चाहिए इनको। 24 रुपए में खरीद के 4 रुपए में दे रहा है, अपने घर से थोड़ी दे रहा है, 5 रुपए पैदा करते हैं। गाँव में लोग, गाँव में जिसके पास 10-10 बीघे की जमीन है वो भी अनाज लेता है, मैं प्रूफ के साथ मैं आपको दे सकता हूँ। वो तो बात सही है, मैं इसी बात कह रहा हूँ कि आपने कहा जिसके पास जमीन है 10 बीघे, मेरी बात सुन लीजिए, 10 बीघे जमीन वो भी राशन ले रहा है ना, सरकार दे क्यों रही है फिर? मैं बता रहा हूँ मेरी बात सुन लीजिए, आपके पास सारा डाटा है, मेरी बात भैया उसमें भी मैं समझ गया, सारा डाटा है, मैं आपकी बात समझ गया, वही वो गलती पता है हम ही लोग की है, सरकार की गलती नहीं है, वो गलती हम लोग की है, क्योंकि हम लोग आवाज नहीं उठाते कि वो 10 बीघे वाला क्यों ले रहा है और 10 हिस्सा वाला क्यों ऐसे बैठा है। गवर्नमेंट को तो नाम काट देना चाहिए, गवर्नमेंट कर क्या रहे है? तो वही चीज मतलब बाहर नहीं जाने, मैं बता रहा हूँ तो वो गलती नागरिक हम जैसे नागरिकों की है, हम जैसे नागरिकों की, क्योंकि हम लोग हमारे यहाँ हमको इस बार वोट जो करना है शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार पे करना है, महंगाई कम कर जो महंगाई कम करेगा उस पे करना है। अगर रह गई बात कि सम्मान निधि पे भैया कह रहे हैं, तो अगर इनको लग रहा है कि फर्जी सम्मान निधि दे रहे हैं तो सरकार उसको काबू करे, कटवाए सबका, अगर वो उसके दायरे में नहीं आता है तो उसको बंद करें, अगर वो फिर भी नहीं बंद कर रहा है तो उसे रिकवरी करवाए। और बीच में ये बोल रहे थे क्या था, मैं मुझे कुछ नहीं मत बनाइए, मुझे चौकीदार बना दीजिए, हाँ। बाद में क्या हुआ, कोई लेके पैसा भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब लेकर लंदन में जाके बैठ गए। इन्होंने बोला पैसा लेकर के भागे हैं, कौन लेके भागा था बताइए? नीरव मोदी, नीरव मोदी बताया, और कौन बताया आप? विजय माल्या बताया, विजय माल्या, मेहुल चौकसी में बताया, वो जितने भी कर्जे लिए थे सन 2013 से पहले के लिए थे, जाकर एक बार पढ़िए, ये गलत जाकर के पढ़िए, इनके पास गूगल है, इनके पास गूगल है, निकाल के देखिए साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है कि 2013 से पहले चंदा लिया गया, 2013 से पहले ऋण लिया गया। मैं देखिए अभी चर्चा कर लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड पे, तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड लाए हैं, गौरक्षक को बनते हैं 250 करोड़, चंदा भी कंपनी से ले लिए हैं, जो गाय काट रहे हैं उनसे भी चंदा, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से 50 करोड़ दिखाए, क्या प्रूफ दिखाए? इलेक्ट्रल बॉन्ड दिखा रहे हैं, गजब आप तर्क कर रहे हैं, गजब तर्क आप कर रहे हैं, प्रूफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये तर्क दे रहा है। नहीं, ये चुनाव आयोग की वेबसाइट पे अभी आप गूगल करिए, चुनाव आयोग की वेबसाइट पे आप अभी गूगल करिए, मैं बता रहा हूँ चुनाव आयोग की वेबसाइट पे आप अभी गूगल कर लीजिए, यही जनता, सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया कि जितना भी 3 सप्ताह के अंदर जितना भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत चंदा लिया गया उसको वो इलेक्शन कमीशन वाली वेबसाइट पे जाहिर करे, अगर इनको नहीं जाहिर है एसबीआई छुपा रहा था, एसबीआई छुपा रहा था, अगर इनको दिक्कत है कह रहे हैं जाहिर करे तो यूट्यूब से खोले जाके यूट्यूब पे क्यों देखेंगे, चुनाव की वेबसाइट, चुनाव की वेबसाइट, मैं एक बार और चुनाव की वेबसाइट पे देख लेंगे। आप प्रधानमंत्री जब नेहरू जी थे, ठीक है, अब नेहरू रेलिवेंट समय, सुनिए तो पहले भाई, क्या है इतिहास सबका है, इतिहास सबका है, प्रधानमंत्री थे या नहीं थे, प्रधानमंत्री थे या नहीं थे भैया, एक नागरिक सुनिए बाहर खड़ा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री बैठ के कुर्सी लगा के टाइट हुए, अभी तो पूरा वीडियो नहीं देखे भैया, देखिए पूरा वीडियो तो नहीं देखे, और मैं बता रहा हूँ इन्होंने बोला ना, इन्होंने बोला तो हमारे बता दो रहा हूँ, चाचा नेहरू जिसे कहते थे, ठीक है, जिस समय भारत की अर्थव्यवस्था इतनी खराब थी कि लोग एक एक दाने के लिए तरसते थे, उस समय प्रधानमंत्री उस समय बाहर से सिगार मंगवाते थे अपने पीने के लिए और उनके कपड़े विदेश जाते थे धुलने के लिए, तब कोई जनता नहीं आवाज उठाई कि ऐसा क्यों हो, सब लोग बहाल हो गए, सब खा पी रहे हैं। 14 के पहले सबके घरों में बता देगा, 2000 यही 2024 का चुनाव रिजल्ट बता देगा ना, कटोरा आएगा कि हाथ आएगा कि कमल आएगा, कौन खिलेगा, वो तो 2024 का रिजल्ट
रिजल्ट बताएगा भैया, रिजल्ट बता हाँ 2024 का रिजल्ट, रिजल्ट हार जीत तय है, जो जिसका मन है ये मतदान है, जिसको जहाँ मन करेगा वहाँ करेगा। एक इशू जरूर है योगी जी में, एक तो बात है कि लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने बेहतर किया है कि नहीं, आप ये मानते कि नहीं? कोई बेहतर नहीं है, उनके लोग है जो घूम रहे हैं, मैं प्रूफ के साथ कहना चाहता हूँ, ब्रजेश सिंह माफिया इतने बड़े हैं, 105 मुकदमा वो लेके घूम रहे हैं, क्यों नहीं उनको कर देती? अभी अभी सब लोग चिल्ला रहे थे बृजभूषण सिंह पे, इतना बड़ा आरोप लगाया, सब लोग लगाए, क्यों नहीं उनको बंद कराए? तब उनका बुलडोजर, तब उनका माफिया गिरी कहाँ गया था? हाँ, तब क्यों नहीं जाता? अगर उन स्वजात के लोग हैं उनके, वो घूम रहे हैं। और मैं बहुत करीबी से मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, हमारे एक बहुत ही करीबी है, उनके ही स्वजात के लोग हैं जो मुकदमे में दोषी थे, लेकिन फिर जांच करा के निर्दोष हो गए, मैं नाम नहीं लूंगा। इतना अभी इनका बृजभूषण सरंग सिंह पे, बृजेश सिंह पे आरोप लगा, इन्होंने बताया ना, मैं मान रहा हूँ वो दोषी हैं, ठीक है, लेकिन हाँ मैं मान रहा हूँ, लेकिन उनको दोषी बनाया कौन? भाजपा सरकार बनाई या कांग्रेस सरकार बनाई? बताइए, ये बोल रहे हैं ना, ये बताइए कितने साल से बृजभूषण सिंह? सबसे बड़ी बात है, अगर ये सरकार की बात कर रहे हैं, जितने लोग कांग्रेस पार्टी में है, जितने सपा पार्टी में है, जितने भी अदर पार्टी में, अगर उस पार्टी में है तो गलत है, अगर वो भाजपा ज्वाइन कर ले, वॉशिंग पाउडर से धुल जा रहे हैं, सारा मिट जा रहा है। अब मैं बताऊं, अजीत पवार भी अभी इलेक्शन चुनाव खत्म होते ही, ठीक है, भूपेंद्र सिंह मुन्ना वो भी जेल गए थे, ये भी जेल गए हैं, ठीक है, और मैं बता रहा काला करने वाला अरविंद केजरीवाल वो भी तो गया जेल, जेल नहीं गए, कहे नहीं गया था, इतने बड़े पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद थे, वो भी तो जेल गए थे, लालू प्रसाद बयान में पता है क्या बोलते थे? अरविंद केजरीवाल जेल गए, यहाँ से जो कहना है बृजेश सिंह क्यों नहीं जेल में गए? सब जाएंगे भैया, जिसके पर्चे सब जाएंगे, चुनाव बात की सरकार बनाएगी, कब जाएगी? जब चुनाव खत्म हो जाएगी तब जाएगी। ये हमारे यहाँ की सरकार चंद पूंजीपतियों की सरकार है, जो वो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं, आने वाले दिन में वही देश चलाएंगे, जो अंबानी अडानी है वही पूरा देश चलाएंगे। आज हमको हमारे तरफ जहाँ तक समझ में आ रहा है कि एक बार यहाँ बोल दीजिए, हम आपका आंसर दे देते हैं, आइए। नहीं, ये पता, ये चाचा बोले हैं कि ये बताइए थाने कैसे ज्यादा करके ठाकुर ब्राह्मण और ठाकुर आ रहे हैं? मैं गुप्ता हूँ, मैं किसी भी पार्टी से नहीं है, जो पार्टी विकास करेगी मैं उसको वोट करूंगा। चाचा ने बोला है अभी कि खाली पाठक आ रहे हैं और मतलब पंडित और ठाकुर आ रहे हैं, एक बात बताइए आप, ये इसी मार्केट में जाकर देख लीजिए, अगर 100 लड़के घूम रहे होंगे तो 90 लड़के जानते हैं कौन से कास्ट के होंगे? सब SC और ST OBC के होंगे, ठीक है, मात्र 10 ही बच्चे जो होंगे फॉरवर्ड के होंगे। अब बताइए फॉरवर्ड वाले सब पढ़ेंगे लिखेंगे वो लोग, तो नौकरी का ये जो घूमने वाले पाएंगे कि पढ़ने वाले पाएंगे? आप क्या कर रहे हैं? आप आइए, हम OBC की बात करते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, सरकार ने कबूल किया 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, उसके बावजूद भी बहाली नहीं कराई गई, जबरदस्ती रोका गया, तब ये कहाँ रहे? तब कहाँ OBC ST सर्टिफिकेट दे रहे हैं? आइए 15 बनाम 85 कर रहे हैं, उनका आरक्षण दें, उनकी लागू करें, क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? आरक्षण की बात, सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ सरकार जो है पहली बार जो है कापी किताब छाछ दूध दही माठा पे टैक्स लगाई, अनाज पे टैक्स लगाई, ये पहली बार हुआ है राम राज्य में, अब तक नहीं कभी हुआ था, इस पे अनाज पे टैक्स नहीं लगता था कभी। इनके बाद नहीं बोल पाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं गुप्ता हूँ, मैं भी OBC में आता हूँ, एक चीज मैं आपको खुलेआम बता रहा हूँ, पता है अब यहाँ भंडारा हो जाए, दुर्गा पूजा लग जाए, खैर ये गलत काम नहीं है, ठीक है, कांवर लेके जाना हो, ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमारे कौन रहते पता है? OBC के बच्चे रहते, आप फॉरवर्ड के एक बच्चे को बताइए कि कांवर लेके जा रहे हैं, दुर्गा पूजा में खड़े हैं, घूम रहे हैं, तो हमारे OBCओं का दुर्भाग्य है जो कि पढ़ाई लिखाई पे कम ध्यान दे रहे हैं और कांवर यात्रा में दुर्गा पूजा में जा रहे हैं, लेकिन मैं यह कहना चाह रहा हूँ, इन लोगों को फंसाया गया है और आगे फंसाने की प्रक्रिया चल रही है कि इन गरीबों को फंसाओ, पढ़ाई लिखाई इनकी बंद करो, फंसाया जा रहा है, इनकी पढ़ाई लिखाई बंद करो, ये बिल्कुल रोड पे आ जाए, ये सरकार ऐसा चाह रही है। और एक नारा लगा रहे हैं, आपकी बार 400 पार, आपकी बार डीजल पेट्रोल 400 पार हो जाएगा और गैस सिलेंडर 1400 पार हो जाएगा, यही होगा और 400 पार होने वाला नहीं है। समस्या बता रहे हैं, एक का भी बता रहा हूँ, अच्छा बताइए,
पहले गैस लेने के लिए जब गैस सिलेंडर रहता है जिससे हम लोग खाना बनाते हैं, ठीक है, ये एलपीजी वाला जो हम बता रहे हैं इसका हालत क्या था पहले, यहाँ से दो दो किलोमीटर एक एक किलोमीटर तक लाइन लगाते थे। भैया विकास क्या चाहिए, आज घर घर पहुँचा रहे हैं, घर घर विकास बताइए। मैं कह रहा हूँ, मैं इनका उदाहरण, आज एक दिन मनरेगा की मजदूरी 230 रुपए है सरकार की तहत, अगर वो दिन भर में लाइन लगा के 230 रुपए नुकसान करके अगर वो लाइन लगाता था तब भी उसका फायदा होता था, 400 में गैस सिलेंडर लाता था, आज 1400-1200 में लेके आया, उसके अपेक्षा तब भी महंगाई बहुत ज्यादा है, पहले कम थी। अच्छा, महंगाई ये बता रहे हैं ना, पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि महंगाई के ऊपर ये चर्चा कर रहे हैं लेकिन महंगाई ये नहीं बता रहे हैं। अगर मैं पहले वाली महंगाई अब के हिसाब से लेकर चलूं तो आप देखिएगा देश बहुत पीछे चला गया होता। उसका रीजन जानते क्या है, पहले क्या था, 4-5 रुपए में जो भी कुछ भी मिलता था, आज 8-10 रुपए में मिलता है, उसका भी तो रीजन है भैया, उसके बारे में जाकर देखिए। जितना भी कंपनी निर्माण कर रही थी उससे चंदा ले लिया, पहले करके बेच रहा है, यही रीजन है। जैसे जितनी भी कंपनी है, जितनी भी इंडस्ट्री है, उनके मन मुताबिक चंदा ले लियो, अपना अपना प्रोडक्ट जो है महंगा करके बेच रहा है, महंगाई का यही कारण और कुछ कारण। उसका भी जवाब हम दे रहे हैं, पहले 100 रुपए पे मजदूर काम करता था, आप भी देखे होंगे, दिए भी होंगे, ठीक है, नमक मिलता था, आज 30 रुपए किलो। अब आगे बोला, एक बात बताइए, ठीक है, जिस हिसाब से पहले रहते थे उस हिसाब से अब रह पाएंगे, पूछिए। वो काम करते हैं, अपनी काम कर रहे हैं, तब भी थे, तब पहले 100 रुपया पाते थे, आप 300 रुपया पाते हैं भैया, महंगाई सबके लिए बड़ी है, पहले 100 रुपया पाते थे, अब 300 पाते थे, पहले 60 रुपए लीटर दे रहे हैं मोदी जी ना, ये बोल रहे हैं भैया, एक मिनट आइए इधर आइए, पहले हम लोग 60 रुपए डीजल और पेट्रोल, अब 30 रुपए मोदी जी के आने से पहले कितना था बताइए, 60 रुपए 62 रुपए एकदम हाईएस्ट 62 रुपए, ठीक, अभी कितना है इस समय, 100 के करीब है। कितना साल हुआ मोदी जी को आए, 10 साल हुआ, हाँ, ठीक, कितना बड़ा, 60 से कितना हुआ, 40, 60 से 40, 40 बड़ा, ठीक, हाँ, और पिछले साल में, हाँ, मतलब पिछले नहीं, हम बता रहे हैं, 70 साल में 70 रुपया बढ़ा, और 10 साल में 40 रुपया बढ़ा, सुनिए, 10 साल में 40 बढ़ा, 70 साल में 70 रुपया बढ़ा, और सुनिए मैं बता रहा हूँ, 10 साल में कांग्रेस ने कितना बढ़ाया था पता है, 70 साल में 70 रुपया पहुंचाया था, 22 से 22, सुनिए मतलब 22 से सीधे 62 तक, 62-67 बिकता था, कितने साल, वही तो बता रहा हूँ, 7 साल में 7 साल में भैया जोड़ लो, महंगाई जोड़ लो, पहले जोड़, आज भैया कोटे में जाएंगे आप, कोटे में जाएंगे आप, ठीक है, आप कोटेदार से कोटे किलो हर कोटेदार काट रहा है, क्यों नहीं सरकार आवाज उठा, आप आवाज उठाइए, सरकार क्यों आवाज उठाएगी, हम आवाज उठाते हैं, आइए आज मार 2022 का हमारा चंचल यादव, चंचल यादव फेसबुक यूट्यूब है, आज खोल के देखिए, हमने अपने कोटेदार के खिलाफ एक्शन लिया है, आज भी मैं और 250 जनता के बीच में लिया है, अकेले नहीं लिया है, सुनिए आप बात कर रहे हैं, क्यों नहीं कोटेदार के खिलाफ एक्शन उठाते हैं, 1 किलो काट रहा है कोटेदार, हमारे हमारे यहाँ बंटी सिंह कोटेदार, उर्मिला सिंह कोटेदार है, 4 किलो राशन देती है, हर जगह 3-3 किलो चीनी मिला, हमारे यहाँ 2 किलो मिला, हमारे यहाँ से पूरा मिलता है भैया, हमारे यहाँ पूरा मिलता है, नहीं हमारे यहाँ मैं लेता नहीं हूँ, 60 रुपया डीजल पेट्रोल था, अब 30 रुपया हो गया भाई, अब क्या चाहिए, अब तो हो गया, अब फ्री में झोला, ठीक, राशन की बात किए हैं ये, ठीक है, इनसे ये पूछिए कि 24 का राशन खरीद करके 4 में सरकार कैसे दे रही है, इनसे हमसे पूछिए, आंसर दे दीजिए, 24 का खरीद के 4 रुपए में दे रही है तो क्यों क्यों अपने अपना श्रेय ले रही है, अपना श्रेय ले रही है कि नहीं, हम फ्री में राशन दे रहे हैं, अब तो फ्री में दे रही है, सरकार कह रही है हम फ्री में राशन दे रहे हैं, हमको फ्री में राशन नहीं चाहिए, हमको फ्री में शिक्षा चाहिए, हमको फ्री में स्वास्थ्य चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, इस मुद्दे पे आए बात करें, हमको राशन, हमको 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 राशन की व्यवस्था नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, अगर हम मजबूत रहेंगे, हम कमाएंगे, खाएंगे, तो अपने, आपके घर में कितने छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे एक भी नहीं है, बताइए, एक भी नहीं है, ठीक है, चाहे जिसके भी घर में होंगे छोटे बच्चे, कोई अपने बच्चों को अगर, कोई अपने बच्चों को अगर, मैं पैसे से अच्छे खासा हूँ, ठीक है, अगर कोई भी मतलब पैसे से अच्छा खासा है, कोई अपने बेटे को ये प्राइमरी स्कूल में भेजता है सरकारी में, प्राइमरी स्कूल पढ़ाने लायक है, आप सही बताइए, है पढ़ाने लायक, क्या बात कर रहे हैं, पढ़िए तो, पढ़ाने लायक नहीं है, कौन सा प्राइमरी पढ़ाने लायक है भैया, और भी बता रहा हूँ, इनका भी आंसर दे दिला, इनका भी आंसर दे दिला, ठीक है, कोई ऐसे आप
आप खोजेंगे ना, एक आप खोजेंगे ना प्राइमरी स्कूल में ना जाने ऐसे कितने टीचर मिलेंगे जो भाड़े पे टीचर रखे हुए अपना घूम रहे हैं, समझ रहे हैं, सरकार सो रही है। ठीक है, और एक दूसरा चीज और जी, चलिए ठीक है, अभी इसका भी मैं आंसर दूंगा। दूसरी चीज ठीक है, जानते हैं गलत आंसर नहीं, ये गलत पार्टी के लिए गलत आंसर लग रहा है। एक सवाल आते हैं, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा शांत, मैं भी किसी पार्टी का नहीं बात कर रहा हूँ। इतना सामान है भैया, 370 रुपया देखा हुआ था, 370 रुपया और इतना सामान बात देखा है, 370 रुपया। मेरी बात आप सुनिए, आप कह रहे हैं सरकार में बहुत कमियां आई है, बीजेपी जीत क्यों रही है? जीत देखिए, जीतने की मैं बात बता रहा हूँ, अगर मैं बता, देखिए जब चुनाव आता है, मैं साफ साफ, शायद आप ये बात माने कि मुलायम सिंह यादव ने गुंडे बदमाशों को संरक्षण दिया, ये चीज मैं बात मान रहा हूँ। हर सरकार गुंडों बदमाशों को संरक्षण देती है, सब अपने अपने लोग हैं, जो उसके पास जा रहा है वो दूध का धुला हो जा रहा है, जो विपक्ष में है वो गुंडा है, बस ये मानिए। और ठीक है, अगर आप कह रहे हैं सरकार क्यों आ जा रही, हमारा जो नारा जो है 38% वोट पाके मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 38% के बाद इतना 62% हमारा वोट कभी सारी पार्टियों में बढ़ जा रहा है, 62% तरफ हैं, 38% मोदी जी के साथ हैं, इसलिए सरकार उनकी बन रही है। अगर जहां 62% मतदान एक तरफ करेंगे तब सरकार इनकी बनने वाली नहीं है, और इसलिए जब चुनाव आता है तो सबकी पार्टी अपने आप पे जाग जाती है, कोई IMI पे वोट देगा, कोई IMI पे वोट देगा, कोई उलेमा पे देगा, कोई जो है सुहेल देव वाली पार्टी उस पर वोट दे देगा, कोई सपा में दे देगा, कोई कांग्रेस। हम ये कह रहे हैं अगर मोदी जी को हटाना है, जो पार्टी मोदी जी से लड़ रही है, जो पार्टी बीजेपी से लड़ रही बात है, उसी के तरफ वोट दे पूरा। एक विपक्ष मुद्दे पे बात ना करके मोदी जी को हटाने की बात कर रहा है, शिक्षा पे वो भी बात करे, रोजगार पे बात करे, मोदी जी हटाने की बात करे, शिक्षा पे बात क्यों नहीं, रोजगार पे बात मैं अभी बता रहा हूँ। एक पुलिस की भर्ती हुई, मैं ऑन रिकॉर्ड भैया को दिखा रहा हूँ, अब आइए ऑन रिकॉर्ड बात कर ले, 8:32 तो माना है ना लीक हुआ, लेकिन क्यों माना, सरकार ये नहीं माना पेपर लीक हो गया, पेपर की खबर जो लीक हो गई उसके बाद माना, पेपर लीक हुआ उस पे उसको लाठी चार्ज करवाई, मरवाया, पिटवाया, जब सारे लोग प्रूफ के साथ कहने लगे कि हाँ पेपर लीक हुआ, उसको प्रूफ दिए, तब सरकार माना, और सरकार के लोग ही पेपर लीक कराएं और बाहरी कोई नहीं कराने वाला। आज क्यों हत्या के मामले में जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही सरकार, उस पे नहीं कर पा रही है, 5-5 साल पे वैकेंसी दे रही, तमाम युवा ओवर एज हो जा रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तब कहाँ चली गई है सरकार, उसको देखना चाहिए ना। ये सब जब ओवर एज हो जाएंगे जो हाई स्कूल इंटर BA BSc कर लेगा, जाएगा मजदूरी दिहाड़ी करेगा, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 5-5 साल में एक वैकेंसी आ रही है, बता दीजिए रिकॉर्ड बता दे, 5 साल में कोई वैकेंसी आई हो इधर, 200-300-500 पद आ रहा है, उतने में क्या होने वाला है, इतनी जनसंख्या है, 60,000 पुलिस की वैकेंसी में 50 लाख लोगों ने फार्म भरा, उसके बाद भी पेपर लीक हो गया, सब लोग 6 महीने का इंतजार कर रहे हैं, पेपर होगा फिर पता नहीं लीक हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं। आइए हम बता दिए, बताइए इन्होंने क्या बोला था कि 62% 30% जो भी बोला ठीक है, 14 वोट पाने वाला प्रधानमंत्री नहीं बना था देश का, और 1 वोट पाने वाला प्रधानमंत्री से बना था देश का, इसका भी जवाब देंगे। मेरी बात सुनिए, बताइए पहला आम चुनाव भारत में कब हुआ था? मैं पूछ रहा हूँ, जिस चीज के 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हुई और 1952 में दोबारा पहला चुनाव हुआ, मोदी जी के मैंने खुद भाषण सुना है कि अगर पहला प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होते तो आज भारत की हालत ये ना होती, उनको भी पढ़ लेना चाहिए। ये क्वेश्चन आप क्यों नहीं, आप यहाँ के जो MP है उनसे क्यों नहीं करते, आप जनता से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं भैया? लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि, ये क्वेश्चन का जवाब वो भी नहीं दे पाएंगे, ये क्वेश्चन जवाब वो भी नहीं, जो उल्टा दे पाए, उल्टा वो जवाब दे रहे हो, और यहाँ सबके सब सफाई है, आपकी सपा सरकार जीत रही है, ये अबकी बार सपा सरकार, कोई कुछ नहीं है यहाँ, सर कुछ नहीं, क्योंकि लड़के आज UP पे एग्जाम देकर आए, सबके घर में हमारे गाँव में लड़के देकर आए, तो मैंने कहा अब भी दीजिए BJP को, अब समझ में आ जाएगा, और अब की बार अगर देंगे ना तो खुद ही, इस बार चुनाव छात्रवृत्ति दे रहे हैं BTC वालों, 22
5000 सर्टिफिकेट कोई धड़ल कुछ है नहीं होता था। आप ये भी अभी कॉन्फिडेंस है की ओवर कॉन्फिडेंट है? कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंट ओवर पाई है भैया। देखिए बगल में बीजेपी वाले, अब उनकी बात अलग है। जो उनको मैं जानता हूँ किस पार्टी से, मैं जानता हूँ किस पार्टी से है वो, पता नहीं अभी का। आप भी सफाई हो जाइए, आपका भी मान मर्यादा सम्मान सब कुछ बढ़ जाएगा। हम पकड़े हैं, सुनिए सुनिए, ये बोले हमको विकास विकास नहीं पता। इधर आइए भैया, आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? यही पढ़ाई हम किए हैं, ग्रेजुएशन कम्प्लीट है। अगर आपको इतिहास पढ़े होते तो आपको पता होता 1950 में हमको पता है और चुनाव हुआ। ये क्या बोले, विकास हमको नहीं पता है, ठीक है। आप बताइए अभी कितना कमाते हैं? हम हम कह तो रहे हैं कि 10-12 हजार रुपए कमाते हैं। कहाँ कमाते हैं? दिल्ली बम्बई। क्या करते हैं? सरकारी कंपनी में काम करते हैं, जो भी मिल जाता है। अब यूपी में रोजगार नहीं है तो दिल्ली में क्यों गए भाई? हमारे यूपी में रोजगार है। हमारे यहाँ मंदिर बना है बाप, अयोध्या श्री राम जी का मंदिर बना है, बहुत भव्य उद्घाटन। बनना भी चाहिए, उसमें कोई बनना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मंदिर से हमारे यहाँ रोजगार मिल रहा है तो ऐसा मंदिर हर गाँव में बनवा दे। मंदिर के ऊपर चर्चा किए, मैं बता रहा हूँ सबसे ज्यादा विकास आप साउथ इंडिया चले जाइए, सबसे ज्यादा विकास है। उसका रीजन जानते क्या है? सबसे ज्यादा मंदिर है। अगर मंदिर ज्यादा पढ़े लिखे भी वहाँ, हाँ तो भैया पैसा जहाँ पैसा भैया, तो बोलो अब यहाँ पे घूमने वाले बच्चे से मैं एग्जांपल अभी यही देता हूँ, यही देता हूँ। वो घूमने वाले नहीं थे, जो इलाहाबाद में बंद कमरे में मार खाए वो घूमने वाले नहीं थे। आप जो लखनऊ में लाठी खाए 69,000 वो लाठी, मैं बता रहा हूँ घूमने वाले नहीं। सोच रहा हूँ घर के पेरेंट्स जो सुनिए, घर के पेरेंट्स सोचते हमारा बेटा गया है, हमारा बेटा पढ़ने के लिए गया है। अब उनको क्या पता कि उनका बेटा वहाँ जाके, ये आपका आरोप गलत है, ये गलत सही है, ये गलत है। मैं देखा हूँ किसी पार्टी को, सब ऐसे नहीं पार्टी की नहीं बता रहा हूँ, मैं पार्टी को किसी व्यक्ति को। अब मैं आपको कहूँ कि आप पढ़ने जाते हैं मेडिकल कॉलेज करने, पता नहीं क्या करने जाते, ये तो गलत आरोप है। सभी छात्र बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। मैं भी एक छात्र रहा हूँ, मैं भी एक छात्र रहा हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ। अगर मैं सही हूँ, सुनिए, आप अगर मैं सही हूँ तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। बस आप यहाँ चाचा इस तरीके से कह रहे हैं कि सब लोग वहाँ अय्याशी करने जा रहे हैं। मैं अय्याशी नहीं बोला, मैं अय्याशी नहीं बोला, यही तो है, यही देखिए, यही तो है। देखिए थोड़ा सा बोला हूँ, थोड़ा सा बोला हूँ, पूरा एकदम खोल डाले चिट्ठा। अब इनको ये नहीं पता कि हम बोले क्या है, जब हम बोले क्या है इनको ये नहीं पता। हंड्रेड डायल था क्या? बीजेपी की सरकार की देन थी, हंड्रेड डायल आ जाता है यहाँ, बताइए आ जाता। जो आज 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 जो आज हर एक नागरिक आपका आपका जो हर एक नागरिक आपका 108 का लाभ ले रहा है, 108 का लाभ ले रहा है, क्या बीजेपी की सरकार दिन थी आ जाते? उनके पास इतना माइंड ही नहीं, कहाँ से लाएंगे? बाहर जाके क्या बोल रहे हैं आप? बीजेपी में ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं भाई साहब, आप जानते नहीं होंगे। त्रिवेदी को सुने हो? नहीं, सुधांशु त्रिवेदी की बात मत लिखे, सुधांशु त्रिवेदी और संबित पात्रा जैसे लोगों की बात समझी मारा जो यूपी एग्जाम दे कर रहे हैं, तार्किक बातें करने वाले नहीं होगा ना। आपने वीडियो देखा कैसा लगा? कोई सरकार के पक्ष में बात कर रहा है, कोई सरकार के विपक्ष में बात कर रहा है। महंगाई मुद्दा है या नहीं है? कुछ लोग कह रहे हैं मुद्दा है, कुछ कह रहे हैं विकास हो रहा है, कुछ कह रहे हैं कर्ज ले लीजिए तो और अमीर हो जाएंगे और बेहतर होगा। जो देश कर्ज ले रहा है वो बहुत आगे जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करिए। मैं नीरज कैमरामैन श्याम के साथ, धन्यवाद।